मरकुस का सुसमाचार अध्याय 13 वचन 31 मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह सुनिए। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, प्रभु यीशु बता रहा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, टल जाएंगे यानी नष्ट हो जाएंगे, लेकिन मेरी बातें, मैं जो कुछ बोला हूं, कभी न टलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु बता रहा है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे यानी नष्ट हो जाएंगे, लेकिन मेरी बातें यानी मेरे वचन, मेरे शब्द, मैं जो कुछ बोला हूं, कभी न टलेंगे, कभी नष्ट न हो जाएंगे। हालेलुया। भाई और बहनों, क्यों प्रभु यीशु से बता रहा है, क्या अर्थ है इसका? ये दुनिया जिस हिसाब से चलती है, जिस कानून से चलती है, जिस नियमों से चलती है, वो नियम प्रभु यीशु ने हमें बताए हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं सच्चे नियम, सच्चे कानून, सच्ची बातें। प्रभु यीशु जो कुछ बोला उसमें सब कुछ सच्चा था, 100% हर बात सच्ची थी, सत्य थी, असत्य कुछ नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया जब तक है तब हमें कानूनों की जरूरत है, दुनिया जब तक है तब तक हमें नियमों की जरूरत है। ये दुनिया, ये संसार जिसने बनाया है, वो निर्माणकर्ता परमेश्वर खुदा, उसने नियम किए हैं, कानून किए हैं, और उस कानूनों से ही ये धरती चलती है, दुनिया चलती है। उसके कानूनों के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। जो नियम उसने किए हैं, वो नियम हमें बंधनकारक है, उस नियमों के खिलाफ हम नहीं जा सकते हैं। जो कोई उस नियमों के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा, वो कभी सफलता नहीं पा सकता है, कामयाब नहीं हो सकता है। भाई और बहनों, मनुष्यों के शब्द और यीशु मसीह के शब्द, इसमें इतना अंतर है। हम कहते हैं आसमान और धरती में जितना अंतर है उतना अंतर है। मनुष्यों के शब्द और परमेश्वर के शब्द से बहुत अंतर है। क्यों ऐसा होता है? मनुष्य सत्य को नहीं जानता है। आप लोग शब्द बदलते हैं, आज एक बात बोलते हैं, कल दूसरी बात बोलते हैं। कई दिन पहले खबर आ गई कि मोबाइल के उपयोग के कारण मनुष्य को कैंसर होता है। क्या होता है? कैंसर होता है। इसके पहले खबर आई थी चाय पीने से कैंसर होता है। दुनिया में कौन सा आदमी है जो चाय नहीं पीता है? चाय न पीने वाला आदमी कहाँ है? अभी आजकल लोग डायबिटीज के कारण चाय नहीं पीते, चाय पीते हैं लेकिन बिना शक्कर पीते हैं, लेकिन चाय न पीने वाला आदमी कहाँ है? वो बोलते चाय पीने से कैंसर होता है, सिगरेट से कैंसर होता है, फिर तंबाकू से कैंसर होता है, मोबाइल से कैंसर होता है, कॉर्डलेस से ज्यादा कैंसर होता है। फिर मोबाइल हमारे हाथ में दिया किसने? कॉर्डलेस हमारे हाथ में दिया किसने? जिन्होंने दिया वही बोल रहे कैंसर होता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर खाद बोलते हैं आप, खाद मराठी में हम खत बोलते हैं, फर्टिलाइजर खेत में डालते हैं ना, खेत में डालते हैं ना, तो खाद बोलते हैं ना आप। वो केमिकल खाद के उपयोग के कारण जमीन खराब हो जाती है, ऐसे आज वो बोल रहे हैं। तो क्या डालना चाहिए? गोबर डालना चाहिए। गाय और भैंस का जो ये होता है मल होता है वो डालना चाहिए। आप यदि केमिकल फर्टिलाइजर डालेंगे, खाद डालेंगे, जमीन खराब हो जाती है। लेकिन वो बनाया किसने? जिन्होंने बनाया वही बोल रहे हैं ना। हालेलुया, हालेलुया। मोबाइल की जाहिरात कौन करते हैं? मोबाइल की विज्ञापन कौन कर रहा है? जो लोग मोबाइल खरीदने के लिए बोलते हैं वही बोलते हैं मोबाइल के उपयोग के कारण कैंसर होता है।
हालेलुया हालेलुया। मनुष्य आज एक बात बोलता है, कल दूसरी बात बोलता है। मनुष्यों के शब्द जो है बदलते रहते हैं। क्यों बदलते रहते हैं? क्योंकि मनुष्य सत्य को नहीं जानता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मैं सत्य हूं, आई एम द ट्रूथ, मैं सत्य हूं। मैं सत्य हूं कहने वाला आदमी दुनिया में आज तक एक बार भी नहीं आया, केवल एक ही बार आया यीशु मसीह, जिसने कहा मैं सत्य हूं। हालेलुया। मैं जो कुछ बोल रहा हूं सत्य है, उसमें असत्य कुछ नहीं है, सब सत्य है, झूठा कुछ नहीं है। मैं जो बोलता हूं ये सत्य है। इसीलिए उसने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें कभी न टलेगी। हालेलुया। उसकी बातें जो है वो बातें सत्य है, वचन सत्य है, उसमें असत्य नहीं है। दुनिया को कानून है और वो कानून मनुष्यों के कानून नहीं है। मनुष्यों ने बहुत कानून किए हैं। कानून के स्टूडेंट्स रहते हैं, छात्र रहते हैं, वो कानून सीखते हैं, जिसको हम LLB कहते हैं, बैचलर ऑफ लॉ, वो वकील बन जाते हैं, फिर LLM होते हैं, फिर जज होते हैं। कौन से कानूनों की पढ़ाई करते हैं? मनुष्यों की कानूनों की पढ़ाई करते हैं। लेकिन परमेश्वर का भी कानून है और परमेश्वर के कानून से ही ये दुनिया चलती है, मनुष्यों के कानून से नहीं। हालेलुया हालेलुया। मनुष्य कहता है अबॉर्शन करना ठीक है, परमेश्वर कहता है अबॉर्शन करना पाप है। कल मनुष्य कह भी सकता है चोरी करना ठीक है, लेकिन परमेश्वर कहता है चोरी करना पाप है। कौन से कानून से दुनिया चलेगी? मनुष्यों के कानून से या परमेश्वर के कानून से? परमेश्वर के कानून से दुनिया चलेगी, मनुष्यों के कानून से नहीं चलती है। हालेलुया हालेलुया। एक ही आदमी इतना कॉन्फिडेंट था कि उसके बातें कभी बदली नहीं जाएगी, बाकी कोई नहीं बता सकता है मैं जो आज बोल रहा हूं कल भी बोलूंगा, क्योंकि आज मैं जो कुछ बोला हूं उसमें गलती मुझे मिलेगी तो कल मैं कहूंगा कल मैं बात बोला वो गलत थी, आज मुझे मालूम हो गया कल की मेरी बात गलत थी। हालेलुया 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 हालेलुया। तो भाई और बहनों, सत्य जो है प्रभु यीशु के शब्दों में है, सत्य जो है प्रभु यीशु की बातों में है। आप जब नया करार खोलते हैं, प्रभु यीशु की बातें पढ़ते हैं, तो आपको सत्य मिलता है। दुनिया खोजने की कोशिश करती है सत्य को, लेकिन सत्य मिलता नहीं है। बड़े बड़े आदमी के भाषण हम सुनते हैं, क्यों सुनते हैं? हमें लगता है कि वो सत्य बोल रहा है, लेकिन कोई दिनों के बाद हमें मालूम होता है कि उसके बातों में सत्य नहीं था। भाई और बहनों, एक आदमी ने गलत विचार के द्वारा पूरे संसार को 150 साल फंसाया। ऐसे कितने आदमी दुनिया में हो गए हैं जिन्होंने अपने गलत विचारों के द्वारा दुनिया को फंसाया, दुनिया उनके पीछे गई। लेकिन ये संसार में एक आदमी ऐसा आया था जिसने कहा कि पृथ्वी और आकाश नष्ट हो जाएंगे लेकिन मेरी बातें कभी नष्ट न हो जाएंगी। जो कुछ वो बोला है वो सत्य है, सत्य है और शुद्ध सत्य है। देयर इज नो मिक्सिंग, असत्य नहीं है। जो कुछ वो बोला है सत्य है, सत्य है और सत्य है। भाई और बहनों, आप में से कोई सत्य को जानना चाहता है, आप बाइबल लीजिए, नया करार लीजिए, यीशु मसीह के शब्दों को पढ़िए, बस। यू जस्ट रीड द वर्ड्स ऑफ जीसस, दैट्स ऑल। यीशु मसीह के शब्दों को पढ़ो, आपको सत्य मालूम हो जाएगा। गलत विचार नहीं है वहां, गलत विचार जरा से भी नहीं है। कोई लोग यीशु मसीह के शब्दों की मजाक करते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि कोई तुम्हारे एक गाल पे मारेगा उसके सामने दूसरा गाल करो, कोई तुम्हारे एक गाल पे मारेगा उसके सामने दूसरा गाल करो। कोई लोग मजाक करते हैं, बोलते है, गलत है। गलत नहीं, यही सही है।
गलत नहीं, यही सही है। कोई तुम्हारे एक गाल पे मारता है उसके सामने दूसरा गाल करो। यीशु मसीह ने कहा, क्या आपको गलत लगता है? आपको गलत लगता है तो इसको छोड़ो, कोई आपको एक मारेगा आप उसको दो मारो। एक दिन आप खाड़े में गिर जाएंगे, खलास हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्या चल रहा है दुनिया में? यीशु मसीह के विचार के खिलाफ चल रहा है, इसलिए दुनिया सफर कर रही है। उन्होंने हमको मारा तो हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं मारेंगे। यीशु मसीह के विचार नहीं है भाई और बहनों। यीशु मसीह ने प्यार करने के लिए सिखाया है, क्षमा करने के लिए सिखाया है, शांति रखने के लिए सिखाया है। कोई एक गाल भी मारता है उसके सामने दूसरा गाल करने के लिए सिखाया है। यीशु मसीह कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, मेरी बातें कभी नहीं टल जाएगी। प्यार करने वाला ही सफल हो जाएगा, युद्ध करने वाला नहीं। हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूं, यीशु मसीह बोल रहा है। प्यार करने वाला ही सफल हो जाएगा, युद्ध करने वाला नहीं। क्षमा करने वाला सफल हो जाएगा, बदला लेने वाला नहीं। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, मेरी बातें कभी ना टलेगी। क्योंकि उसने बातें कौन सी बताई है? प्यार करने के लिए बताया, क्षमा करने के लिए बताया, दूसरा काल सामने करने के लिए बताया, परमेश्वर पर निर्भर रहने के लिए बताया। ये बातें कभी नहीं टल जाएगी। हालेलुया भाई और बहनों, यीशु मसीह के शब्द, यीशु मसीह की बातें, यीशु मसीह के वचन सत्य है, और वही सत्य है। कोई लोग मजाक करते हैं, बोलते ऐसा कैसे हो सकता है, हमको मारेगा तो हम छोड़ने का? क्षमा करने की, यीशु कहते क्षमा करो। हालेलुया, क्षमा करो, दया करो, शांति रखो, बदला नहीं लेना, हिंसा नहीं करना, यीशु मसीह की सिखावट है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, यीशु मसीह की बातें जो है वो शांति की बातें है, प्यार की बातें है, दया की बातें है। आप कोई नहीं चाहिए, आप दूसरे मार्ग से जाओ। कौन सा मार्ग है? हिंसा, मारना, जवाब देना, बदला लेना। आप बदले के रास्ते में जाना चाहते जरूर जाओ, आखिर में खाड़े में गिर जाओगे, खत्म हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, नष्ट हो जाएंगे। हिंसा आखिर में नष्ट करती है। यीशु मसीह ने कभी हिंसा का मार्ग नहीं सिखाया, क्षमा का मार्ग सिखाया, क्षमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस दुनिया को क्षमा का मार्ग चाहिए, इस दुनिया को दया के मार्ग की जरूरत है, शांति के मार्ग की जरूरत है। हम क्षमा का मार्ग नहीं पसंद करते हैं। किसी ने हमको तकलीफ दी, हम कहते हैं मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं बदला लूंगा। ये यीशु मसीह का मार्ग नहीं है। हालेलुया, इसीलिए प्रार्थना के दौरान हम आपको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। यहां प्रार्थना जब चालू होती है मैं क्या कहता हूं, बार बार कहता हूं क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। क्षमा करने से क्या हो जाता है? परमेश्वर आपसे खुश हो जाता है। हालेलुया, और वो बीमारी निकालता है। बीमारी निकालने वाला और कोई नहीं है, बीमारी निकालने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ही केवल बीमारी निकाल सकता है, और कोई नहीं निकाल सकता है। हालेलुया भाई और बहनों, यदि परमेश्वर आपसे खुश है वो आपकी बीमारी भी निकालेगा, आपको आशीषों से भर देगा। लेकिन परमेश्वर को खुश करना है। परमेश्वर कभी खुश होता है? कान खुले रख के सुनो, परमेश्वर आपसे कभी खुश होता है जब आप दूसरों को क्षमा करते हैं। एक भाई खड़ा है, ऐसा खड़ा है प्रार्थना के लिए,
मैंने वहां से कहा, मैंने यहां से कहा सबों को क्षमा करो, तुम्हारे पति को क्षमा करो, पत्नी को क्षमा करो, भाई बहन को क्षमा करो, माँ बाप को क्षमा करो, रिश्तेदारों को क्षमा करो, पड़ोसियों को क्षमा करो, दोस्तों ने फंसाया दोस्तों को क्षमा करो, और प्रभु के वचन के अनुसार दुश्मनों को भी क्षमा करो। हालेलुया। अभी ये भाई का पड़ोसी होता है उसके खिलाफ बहुत गुस्सा होता है, बराबर, उसको देखा ना तो ऐसा करता है, अभी मैं क्षमा करने के कहता हूं नहीं करूंगा क्षमा, ये मेरे पड़ोसी को मैं नहीं क्षमा करूंगा, मैं कहता क्षमा करो क्षमा करो, एकदम नहीं करूंगा नहीं करूंगा, ये पड़ोसी मेरे सामने आएगा ना, क्या बोलता है, नहीं करूंगा क्षमा नहीं करूंगा क्षमा, ये मेरा पड़ोसी है ना, मुझे दिन रात सताता है, मैं नहीं क्षमा करूंगा। प्रार्थना खत्म हो गई, वो बोलता है अरे मैं आया था मेरा बाया पैर दुखता था, अभी जा रहा हूं दोनों पैर दुख रहे हैं। जब प्रार्थना केंद्र में सुबह प्रवेश किया केवल बाया पैर दुखता था, अभी प्रार्थना खत्म हुई दोनों पैर दुखने लगे, क्योंकि परमेश्वर का गुस्सा उसके ऊपर आ गया। तुम क्षमा करने के लिए तैयार नहीं हो ना तो परमेश्वर का गुस्सा आता है। परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर का कानून है, तुम नहीं क्षमा करते हो दूसरे को इसलिए तुम्हारे पापों की तुम्हें क्षमा नहीं मिलेगी। तो जब हम दूसरों को पापों की क्षमा नहीं करते हैं तो हमारे पापों का दंड हम लेते हैं, तो शरीर में बीमारी आती है। बीमारी जाती नहीं है, बीमारी वैसे ही रहती है। तुम दूसरों को क्षमा नहीं करते हो तो तुम्हारे पापों की क्षमा होती नहीं है, तो तुम्हारे पापों का दंड तुमको लेना पड़ता है। हालेलुया। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं हमारे पापों की हमें क्षमा मिलती है तो हमारे शरीर में से बीमारी चली जाती है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने जो बताया है, क्षमा करो, क्षमा मांगो प्रभु से, प्रार्थना करो, प्यार करो, दया करो, परमेश्वर की स्तुति करो, ये जो प्रभु यीशु के शब्द है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, ये शब्द कभी नहीं टल जाएंगे। और मैंने बताया आपको, बार बार बताने की जरूरत नहीं, खुद को ईसाई कहने वाले देशों ने भी ये शब्दों के अलावा करने का कोशिश की है और वो भी खाड़े में गिर गए हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। भाई और बहनों, प्रभु यीशु के शब्द हमारे जीवन है। आप हर रोज नया करार पढ़ो, हर रोज बाइबल का दूसरा भाग पढ़ो, यीशु मसीह के शब्दों को पढ़ो, लेकिन यीशु के वचनों को जानो, यीशु के शब्दों को जानो, यीशु की बातों को जानो, क्योंकि वो सत्य है, उसके मुताबिक आप चलेंगे, नाकामयाब कभी नहीं हो जाएंगे, असफल कभी नहीं हो जाएंगे, आप जहां कदम रखेंगे सफल हो जाएंगे। हालेलुया। हमें गाइड करने वाला, हमें मार्गदर्शन करने वाला वचन जो है ये यीशु का वचन है, उसके अनुसार हम चलते हैं, उसके अनुसार जब हम चलते हैं नाकामयाब नहीं हो सकते, असफल नहीं हो सकते, जहां कदम रखेंगे वहां सफल हो जाएंगे, जो बोलेंगे वो हो जाएगा। मनुष्य जरूर सोचता है कि हमारे कानूनों से दुनिया चलती है, नहीं नहीं नहीं, मनुष्य के कानूनों से दुनिया नहीं चलती है, खुदा के कानूनों से दुनिया चलती है। हालेलुया हालेलुया। वो कानून क्या है, यीशु मसीह ने बताया है, उसने बताया है, प्यार करो, क्षमा करो, दया करो, शांति करो। आपको ये नहीं चाहिए, दूसरे मार्ग से जाएंगे, हिंसा के मार्ग से जाएंगे, वो प्रभु का मार्ग नहीं है, परमेश्वर का मार्ग नहीं है, भगवान का मार्ग वो नहीं है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए बहुत कॉन्फिडेंस से उसने बताया है, 100% कॉन्फिडेंस। क्या कॉन्फिडेंस है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें कभी नहीं टल जाएगी।
हालेलुया। ये किताब है जिस किताब में यीशु मसीह के शब्द लिखे हुए हैं, इसकी बातें लिखी हुई है। ये किताब आज 2010 साल चालू है। ये किताब लिखा गया समझो पहले शतक में, ईस्वी सन 70-80 में लिखा गया। एक दिन भी ऐसा नहीं था दुनिया में जिस दिन इस किताब का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है, कभी नहीं हुआ। हर दिन दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला किताब बाइबल है। हर दिन पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला किताब बाइबल है। दुनिया में 2010 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं था। 2010 में से मैं 70-80 साल बाजू में करता हूँ, कमी को 1960-70 ईयर्स ये किताब छपा के हो गए। एक दिन ऐसा नहीं था इसका रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है, कभी रिकॉर्ड नहीं ब्रेक हुआ है, कोई नहीं ब्रेक कर सका इसका रिकॉर्ड। क्यों? इसमें सत्य है। इसलिए इसमें क्या मिलता है? सत्य मिलता है, इसीलिए लोग ये किताब खरीद लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। फ्रेंच फिलोसोफर वोल्टेयर, फ्रेंच तत्व चिंतक वोल्टेयर, इस आदमी ने कहा था कि आने वाले 100 सालों में बाइबल पृथ्वी में से नष्ट हो जाएगा। क्या बोला था? आने वाले 100 सालों में बाइबल पृथ्वी से नष्ट हो जाएगा। किसने कहा था? फ्रेंच फिलोसोफर वोल्टेयर। आपको मालूम है क्या हो गया? वोल्टेयर मर गया। मरने के बाद बाइबल सोसाइटी ऑफ जर्मनी ने वोल्टेयर का मकान खरीद लिया और उस मकान में छापखाना डाला, प्रेस डाली और वहां से बाइबल छपाना शुरू किया। वोल्टेयर ने क्या कहा था कि आने वाले 100 सालों में बाइबल पृथ्वी से नष्ट हो जाएगा। कोई लोग ये गलती कर रही है, उनको लगता है कि यीशु मसीह की सिखावट नष्ट हो जाएगी, लेकिन मैंने आपको बताया अमेरिका जैसे देश गलती कर रहे हैं। ये खुद को ईसाई कहते हैं लेकिन ईसा के अनुसार चलते नहीं है, इसलिए यीशु मसीह का नाम बदनाम होता है। लेकिन उनको पता नहीं है कि यीशु मसीह ने कहा है, चैलेंज है, चुनौती है, खुली चुनौती है। इसे ओपन चैलेंज। क्या चैलेंज है? आकाश और पृथ्वी नष्ट हो जाएंगे, मेरे बातें कभी नहीं नष्ट हो जाएगी। उल्टा करो। यीशु मुझे कहता है वैसा मत करो, उल्टा करो। यीशु मुझे कहता है गाल पे मारो दूसरा गाल करो, आप ऐसा मत करो, आप हिंसा करो। देखो क्या होता है। देखो, खत्म हो जाएंगे आप, उल्टा करने वाले खत्म हो जाएंगे। यीशु मसीह ने जो बताया उसका उल्टा करने की कोशिश करो, खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन उसकी बातें है क्या? उसकी बातें यही है, प्यार करो, क्षमा करो, दया करो, शांति करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर में मन लगाओ, यही बातें तो बोला हो। ये बातें कभी नष्ट नहीं हो सकती है, कौन सी भी ताकत लगाएंगे ये बातें कभी नष्ट नहीं हो सकती है। हालेलुया, हालेलुया। अभी प्रार्थना करने का समय है, आंखें बंद कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने चाह रहा हूँ। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए विश्वास के साथ, प्रभु यीशु खुद आपको स्पर्श करेगा और चंगाई देगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु की महान आशीष है।